हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अंजना विद्यापीठ हेलो बायोलॉजी में। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल, और सेल ही जीवन का आधार है। इसलिए यदि हम सेल को डिफाइन करते हैं तो हम कुछ इस प्रकार करते हैं, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर हमने सेल को जीवन का आधार या फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहा है। अब ऐसा क्यों कहा है? देखो कि यदि हम बात करते हैं लाइफ की, तो हमने बात कही थी कि जो लाइफ है वो मॉलिक्यूल, जो केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। वो केमिकल मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लाइफ के कैरेक्टर्स उसमें देखने को मिलते हैं। तो यानी कि ये जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल जो है उसमें हमें वो सब कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो कैरेक्टर चाहे ग्रोथ हो, ठीक है, चाहे वो कैरेक्टर ग्रोथ हो, चाहे वो कैरेक्टर रिप्रोडक्शन हो, चाहे वो कैरेक्टर कॉन्शियसनेस हो या फिर मेटाबॉलिज्म हो, एक सिंगल सेल जो है वो उसको फॉलो करता है, या हम कहें उसको शो करता है। लाइफ के जो कैरेक्टर्स हैं उसको वो शो करता है। इसी कारण से एक सिंगल सेल खुद में ही एक जीवन है। ठीक है, एक सिंगल सेल जो है वो खुद में ही एक जीवन है, यानी कि एक लाइफ है। और यदि हम मल्टी सेलुलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हर एक जीवन जो इस पृथ्वी पर उपस्थित है, चाहे हम हो या फिर कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट हो गया आपका, डॉग हो गया, कैट हो गया, कोई भी, वो शुरुआत में, हर ऑर्गेनिज्म शुरुआत में एक सिंगल सेल था, एक सिंगल सेल था। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म शुरुआत में क्या था? एक सिंगल सेल था। उनके अंदर, उस सेल के अंदर डिवीजन हुआ या हम कहें ग्रोथ हुई, और उसकी वजह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए। तो इस आधार पर कि एक जो सिंगल सेल है, ठीक है, वो लाइफ के उन सब क्राइटेरिया को फॉलो करती है जिस चीज को हमने जीवन कहा। तो इसीलिए एक सिंगल सेल खुद में ही एक जीवन है, खुद को अकेले वो रिप्रेजेंट करती है। आई एम आ लाइफ, आई एम एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, इसलिए हमने सेल को जीवन का आधार किया है, सेल को जीवन का आधार बोला है। और दूसरा कारण कि हर ऑर्गेनिज्म शुरुआत में एक सिंगल सेल ही था, उसके अंदर ग्रोथ हुई और फिर वो जाके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। तो इस कारण से हम सेल को कहते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसी बेसिस पर एक सिंगल सेल भी जीवन है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म भी लाइफ है। इसी आधार पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखो, पहला होता है यूनिसेल्यूलर और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या है? एक सिंगल सेल है, ठीक है, और उसकी एक पहचान है कि वो खुद में ही एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी कि एक सिंगल सेल खुद को रिप्रेजेंट करती है कि वो खुद में एक अकेला ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी आइडेंटिटी जो है उसको बताती है कि एक सिंगल सेल जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ठीक है, दूसरा हो गया यीस्ट। यीस्ट जो है वो एक प्रकार का फंगस है, और ज्यादातर फंगस मल्टी सेलुलर होते हैं, बट यीस्ट जो है वह यूनिसेलुलर होता है। दूसरा प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? देखो, ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल जो है वो कह रहे हैं कि वी
मैं जो हूँ मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ। सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो जब एक सेल खुद को रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्गेनिज्म के तौर पर तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं जब एक से अधिक सेल, ठीक है, एक से अधिक सेल, और वो अधिक कुछ भी हो सकता है या मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस में भी हो सकता है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि द ग्रुप ऑफ सेल रिप्रेजेंट देमसेल्फ एंड इंडिविजुअल सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो द ग्रुप ऑफ सेल रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज एन इंडिविजुअल सो such kind of organism known as multicellular organism। ठीक है, सिंपली बात है कि एक से अधिक सेल आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं और वो खुद को रिप्रेजेंट करती हैं कि हम एक ऑर्गेनिज्म हैं, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर हम बात करें तो इसका कई उदाहरण हैं, कई क्या, कुछ ऑर्गेनिज्म को छोड़कर ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो, ह्यूमंस हो गए, हम ह्यूमन हो गए, ठीक है, दूसरा एलिफेंट, डॉग, कैट, मैंगो ट्री, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसकी। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बात की कि सेल जो है वह क्या है और क्यों हम उसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, और नंबर ऑफ सेल के आधार पर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो बच्चों मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।